वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर्स का हम 5 सेकेंड में हम निकाल सकते हैं। अब 5 सेकेंड आप बोल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अभी के अभी आप निकालने लग जाएंगे, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये जो स्क्वायर है 10 तक के आपको स्क्वायर जो है वो याद होने ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करनी है इसमें, जो इसका लाल यूनिट डिजिट प्लेस है वो देखना है। जैसे 1 का स्क्वायर है वो 1 पे आएगा और 9 का जो है वो 81। अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही 1 पे एंड हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम देख लें 2 का स्क्वायर क्या है 4, और इसी तरीके से यहाँ पे 8 का स्क्वायर देख लें तो 64। देख रहे हैं कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, दोनों ही 4 से एंड हो रहे हैं। 3 का क्या है 9 और 7 का क्या है 49। उम्मीद करता हूँ पैटर्न तो दिख ही गया होगा आपको। अगला है अगेन 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25 और 10 का 100, तो आपको बहुत ही आसानी से याद होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम एक नंबर का स्क्वायर करें तो वो 1, 4, 9, 6, 5 और 0 से एंड हो सकता है। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब करना कैसे है क्वेश्चन जल्दी से उसके आई चलते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टेप्स। तो पहला हम देख लेते हैं आखिरी नंबर क्या आएगा। यहाँ पर आया 6, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 6 कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 पे, एक आ रहा है 6 पे। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, या तो आएगा 4 पे या तो आएगा 6 पे। अब इन दोनों में से कौन सा चुनना है वो मैटर करता है इन दो नंबर्स पे, जो आगे वाले दो नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। अब आगे नंबर क्या दे रखा है 12। अब हमें देखना है कि इनमें से 12 से छोटा नंबर, जस्ट छोटा, मतलब 16 क्या हो गया इससे बड़ा और 16 से छोटा क्या हो गया 9। तो 9 पे आ रहा है, 9 का मतलब हो गया 3, उसका स्क्वायर रूट हो गया 3। तो हमें ये तो गारंटी हो गई कि यहाँ पे पहला नंबर जो आएगा वो 3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से चुनने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से अगला नंबर देखेंगे। 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, क्या करेंगे 12 आया। अब ये 12 और जो हमारा नंबर 12 था वो दोनों हो गए बराबर। तो बराबर हो या हमारा नंबर जो है वो बड़ा हो तो हम बड़ा वाला लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6। तो आंसर जो हो गया वो 36 हो गया। आइए चलते हैं दूसरा देख लेते हैं 9। 9 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9 आ रहा है 3 पे या आ रहा है 9 कहाँ पर आ रहा है 7 पे, यहाँ पर लिख देंगे और 7। देखो ये जब प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंटली आप कर पाओगे। अब आखिरी के स्टार्टिंग के दो नंबर देखते हैं 22। 22 देखो 25 से छोटा है, ठीक है, तो इससे छोटा वाला कौन सा हो गया 16, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब पहला नंबर तो मुझे मिल गया 4। अब दूसरा क्या आएगा 3 या 7, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो क्या आ गया 20। 20 अब 22 से कंपेयर करेंगे, 22 क्या है छोटा है, 22 हमारा जो है बड़ा हो गया, सॉरी 20 छोटा हो गया 22 बड़ा हो गया। तो 22 बड़ा है तो हम इन दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 37। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है 1, तो 1 के केस में क्या है, या तो 1 आएगा या तो आएगा 9, ये तो गारंटी है 1 या 9 आएगा। 79 64, ठीक है, और 81 64 8, तो पहला नंबर तो हो गया आपका 1, ये तो गारंटी है। तो 8 × 9 मतलब अगला नंबर, जस्ट अगला 8 × 9 कितना होता है 72। तो 72 और ये कितना है 79, इससे बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, तो आंसर हो गया 89।
आखिरी में चलते हैं, आखिरी वाला हमारा नंबर है 5। 5 तो 5 पे ही आता है, तो ये तो एक खास बात है, 5 तो 5 पे ही आता है। अब 56 कहाँ पर आ रहा है, 14, ये देखिए 64 81, 64 से छोटा है वो, 49 7, तो आंसर आया 75। देखो इसको तो 5 से एंड होने वाले को तो 2 सेकंड लगते हैं, यह आया 5, 56 इससे क्या है 64 से छोटा, मतलब 7, 75 इसका आंसर। आइए चलते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देते हैं। तो पहला आपका जो आपके लिए करने के लिए होमवर्क में है वो है 8836 का स्क्वायर रूट निकालें। दूसरा आपको दे देते हैं 7396 का। इन दोनों का आप आंसर मुझे होमवर्क का कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ सेकंड में आपको कितना टाइम लगा, और इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे जब इससे भी बड़े नंबर होते हैं उनको किस तरीके से कम सेकंड में कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने दोस्तों से फॉरवर्ड करके शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ट्रिक समझ में आए कि किस तरीके से अपनी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।